नमस्कार दोस्तों, राज तक 99 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं शिव मंदिर एरवा। तो शिव मंदिर एरवा की विशेषता ये है दोस्तों कि यहाँ पर ये छोटा हरिद्वार, मिनी हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते वो यहाँ पर अपने मृतक के फूल विसर्जन करने यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर की विशेषताएँ और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि यहाँ पर एक दिन जो मृतक की रूह होती है वो यहाँ पर एक दिन रुक करके फिर आगे बढ़ती है। तो आइए देख लेते हैं अंदर की एक झलक। तो शुरू करते हैं वीडियो, आइए। ये महिलाओं के लिए है और ये आप देख पा रहे होंगे ये पुरुषों के लिए है, स्नान के लिए है। बहुत ही अच्छा यम जी का मंदिर यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे आगे, और दिखाएंगे यहाँ पर रूह, जो इंसान की रूह है मरने के बाद एक दिन यहाँ पर रह कर के जाती है। तो आइए उसके बाद आपको मंदिर के अंदर लेकर के जाते हैं। दोस्तों अंदर का एक झलक आपको दिखाते हैं मंदिर की। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा साफ पीने के लिए पानी। शिव मूर्त, पार्वती जी, साथ में श्री गणेश जी आपको देखने को मिलेगा यहाँ। बहुत ही सुंदर प्रतिमा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंदर मंदिर का दृश्य आपको दिखाएंगे। शिवलिंग श्री नाग देवता जी पीतल के चढ़े हुए यहाँ पर। आइए अंदर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का व्यू है अंदर का। यहाँ पर आप देख सकते हो शेषनाग जी विराजमान है शिवलिंग के पास बैठे हुए। दोस्तों यहाँ की विशेष बात ये है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है शिवलिंग, वो किसी पुरुष या किसी इंसान के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। ये पुरातन काल से है और इसका रहस्य किसी को नहीं पता है कि वो किसके द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया और यहाँ नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो धर्मराज जी का ये मंदिर, यहाँ पर दोस्तों रूह एक दिन रह करके जाती है, ऐसी मान्यता है। यहाँ पर रूह एक दिन रह करके जाती है ऐसी मान्यता है। तो दर्शन कीजिए, यहाँ पर जोत के लिए तेल लोग चढ़ाते होंगे। तो आइए उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो करिए दर्शन शिवलिंग। ये दोस्तों इंद्रदेव जी का मंदिर। तो आए देखते हैं किस प्रकार से है अंदर से। तो ये सामने जो आप शिवलिंग देख रहे हैं भगवान शिव जी का, ये किसी इंसान के द्वारा बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। ये युगों युगों से है दोस्तों और इसका कोई भी रहस्य नहीं जान पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्राण हरण करने वाले देवता आप देख पा रहे हैं।
साथ में लेखा जोखा जो रखते हैं ऋषि मुनि जी बैठे हुए हैं और धर्मराज जी खुद विराजमान हैं और साथ में प्राण हरण करने वाले जो दूत होते हैं। तो दोस्तों करिए दर्शन और लंबी आयु के लिए मन्नत मांग लीजिए। राम जी का मंदिर जो कि मुख्य मंदिर के तौर पर यहाँ पर स्थित है, तो आइए एक झलक आइए। तो दोस्तों श्री राम सीता लक्ष्मण जी यहाँ पर विराजमान हैं और बहुत सारे देख सकते हो आप, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। यहाँ पर आप आ सकते हो, अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हो। दोस्तों कट यहाँ पर मृतक के फूल विसर्जन करने के लिए आप आ सकते हो। इस जगह पर काफी सारे लोग काफी कुछ यहाँ पर चढ़ा करके जाते हैं अपने मृतक परिजनों के सुख शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए, तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो। स्वागत है पंडित जी राज तक 99 यूट्यूब चैनल में आपका। जय शंकर की महाराज। जय शंकर की। सो नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एरमा मंदिर में जो कि शिव मंदिर है और एरमा में स्थित है, जिला कठुआ J&K में। दोस्तों ये मंदिर में आने का हमारा मेन मोटिव और मेन मकसद ये है कि ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ बहुत सारी विशेषताएं ऐसी हैं जो कि हरिद्वार से जिनका तुलना करी जाती है। तो आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं कि इस मंदिर का क्या इतिहास है और क्या विशेषताएं हैं, किस तरह की मनोकामनाएं लोग यहाँ पर मांगते हैं और पूरी करके जाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है पंडित केदारनाथ जी और मैं इधर उत्तराखंड से हूँ, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। जी जी। पिछले 4 साल से हुए। जी जी, पिछले 4 साल से। सो पंडित जी आप हमें बताएं कि इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, ये कितना पुराना है और ये किस नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इसका लेख है कि जब सतयुग में राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए जी, तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ रचा और इंद्रदेव ने उनका जो घोड़ा था वो कपिल मुनि के आश्रम के पीछे छुपा दिया था जी। और कपिल राजा सगर के पुत्रों ने समझा कि कपिल मुनि ने ही जानबूझ के ये घोड़ा छुपाया है जी, तो उन्होंने उन्हें भला बुरा कहा। इससे कपिल मुनि ने उन्हें साप दिया और 60,000 वो उधर ही भस्म हुए। भस्म हो गए जी। तो फिर जब कपिल मुनि के उन्होंने दोबारा आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि अगर स्वर्गलोक से गंगा धरती पर अवतरित हो तो इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। अन्यथा नहीं होगी जी। तो कहा जाता है कि जब सतयुग में धरती पर गंगा जी आई शिव जी की जटाओं में, राजा भगीरथ ने तपस्या की, तो जब शिव जी ने गंगा जी अपनी जटाओं से छोड़ी तो वो हिमालय में झील बन गई थी जी। फिर दोबारा भगीरथ राजा ने इंद्रदेव की तपस्या की तो उन्होंने अपना ऐरावत हाथी दिया। ऐरावत हाथी, हाँ जी। तो जब हाथी ने झील खोली तो वो हाथी झील के साथ ही पताल चला गया जी। फिर इधर इंद्रदेव ने शिवजी महाराज की तपस्या की और शिवजी महाराज ने उन्हें दोबारा वो हाथी दिया इस जगह पे। इस जगह पर जी जी। तो जो बाहर बोलियां है वो गुप्त गंगा ही है वो, क्योंकि जब हाथी निकला था तो उसके साथ गंगा जी भी आई प्रकट हुए जी जी। तो तब ये कहा जाता है कि ये हरिद्वार से पहले का ये मंदिर है जी जी जी। सो दोस्तों बताना चाहूंगा जो प्रसिद्ध हरिद्वार है वहां से करोड़ों लोग
वहाँ पर जाते हैं उसी की एक झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो उससे पुराना माना जाने वाला ये मंदिर शिव मंदिर जो कि एरमा में स्थित है उसके बारे में हम जान ले हैं और आगे जान लेते हैं। जी यहाँ पर ज़्यादा पितृ पूजा अमावस्या और चैत्र संक्रांति का विशेष महत्व है। जी और कहा जाता है कि अगर सोमवती अमावस्या को शिव जी को कोई जल चढ़ाए तो उसकी मनोकामना जरूरी पूर्ण होती है। जी 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 पितृ पूजा के बारे में जानना चाहेंगे, वो किस प्रकार की पूजा होती है? पितृ जैसे फूल हुआ, बारखी, तेरवा, श्राद्ध। जी 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 जो कि स्वर्गवास हो चुके होते हैं उनके बाद की जो होने वाली पूजा है वो पितृ पूजा कहलाती है। जी 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 ठीक है। मतलब जब इंसान पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो संस्कार होता ना, जो विधियां होती हैं, जो उनके दिन बार मनाए जाते हैं, जो उनके नाम की पूजा की जाती है, वो पितृ पूजा में आती है। जी सो पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि और किस तरह की विशेषताएं, या यहाँ पर कुछ चमत्कार ऐसे हुए हों जो कहीं कुछ ठीक होकर के गए हों यहाँ से, या इस प्रकार का कोई चमत्कार जो रहस्यमय चीज़ आप बताना चाहें हमें? रहस्यमय यही है कि यहाँ पर जो शिव जी है वो स्वयंभू है, मतलब वो किसी ने बनाए नहीं थे, वो आदि अनादि काल से हैं। और कहा यह जाता है कि जो भी इनकी पूजा या कुछ भी मांगता है वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। जी 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 आपके कहने का मतलब है जो यहाँ पर शिव विराजमान है वो किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाए गए हैं? ये अमर शिवलिंग है, देखो जी, ये शुरू से ही है, ये शुरू से ही है, किसी के द्वारा नहीं बनाए गए, इसका ना तो कोई आदि है ना अनंत है। जिस तरह शिव भगवान जी को माना जाता है उसी प्रकार से एक झलक दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो उसके अलावा पंडित जी आप यहाँ पर बताएं संगत किस रोज को ज़्यादा आती है और यहाँ पर कौन कौन से दिन वार को, मतलब एक लंगर की सेवा या इसको त्यौहार की तरह मनाया जाता है? विशेष तो यहाँ ज़्यादा शिवरात्रि का ही त्यौहार मनाया जाता है, उसके बाद बैसाखी हुआ और अमावस्या तो हर महीने ही होती है। अब अमावस्या, अच्छा ठीक है, तो अमावस्या पर ही लंगर का भी प्रबंध होता है। जी 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 और आप हमारी वीडियो के माध्यम से श्रद्धालुओं को क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पर आए और अपनी मनोकामनाएं किस प्रकार से पूरी करके जाएं? यदि कोई यहाँ पर मन्नत मांगता है तो उसको कुछ चढ़ाने की या इस प्रकार की कोई विधि है, या वो बिना कुछ चढ़ाए ही अपनी अपनी मन्नत को पूरी यहाँ से करके जा सकता है? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ चढ़ाना है, ये सिर्फ यही है कि अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शिव जी को जल धारा ही प्रिय है। जी 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 और रहा पितरों के निमित्त, तो पितरों के निमित्त पिंडदान होता है, बार की छबरी, वो अपनी इच्छा अनुसार वो कर सकते हैं। हाँ जी 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 ठीक है। तो जैसे कोई मृतक की जो मतलब फूल विसर्जन होते हैं वो इधर आकर के लोग करते हैं? हाँ जी। इधर सुनने में आया है कि कोई गुफा है इधर, यहाँ से जो मृतक होते हैं, जो स्वर्गवास हो चुके होते हैं, उनकी जो रूह या आत्मा हम कह सकते हैं वो यहाँ पर एक दिन रह कर के जाती है, ऐसा कुछ सुनने में आया है? वो होता ऐसा है कि जब यमराज अपने दूतों को भेजता है तो वो भी ये देखते हैं कि वही जीव है कि दूसरा है। जी 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 तो चलने से पहले बल कहा जाता है कि वो यम मंदिर में जरूर रुकते हैं वो। ठीक 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 तो इसलिए एक रात वो रुकते जरूर है। यम मंदिर भी इसे कहा जाता है? हाँ जी ठीक ठीक ठीक। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी प्राणी की जब जान निकलती है तो वो जो यमदूत होते हैं वो एक बार उसको वेरीफाई जरूर कर लेते हैं कि जिसके हम प्राण हरण करने आए हैं इसका टाइम आ चुका है या नहीं। तो उसी वजह से क्या होता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जो आत्मा है वो यहाँ पर एक दिन के लिए रखी जाती है उनके द्वारा, और वेरीफाई कर लिया जाता है कि इसी के प्राण हरण करने थे या नहीं। और वेरीफाई करने के बाद जो यमराज जी हैं उनके पास वो रूह लेकर के चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर एक दिन के लिए जो मृतक इंसान है उसकी रूह यहाँ से होकर के ही जाती है। तो इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, ये सुनी सुनाई बात में भी आ सकती है और पंडित जी के द्वारा हमें ये बताया गया है तो इसलिए हम आप तक ये बात पहुंचाना जरूरी समझ रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी, हमने जाना ये जो प्राचीन मंदिर है शिव मंदिर जो कि एरमा में स्थित है इसका एड्रेस हम जानना चाहेंगे पंडित जी, अगर कोई गुरदासपुर पंजाब से या हिमाचल कहीं से भी आ रहा है तो उसको कैसे आना चाहिए, इधर कहाँ से बस पकड़ के कहाँ तक आना चाहिए, क्या कर बस की सर्विस है इधर तक? नहीं बस की सर्विस तो यहाँ से जो या पठानकोट से सीधे बम्याल के बस में बैठो, बम्याल तो नगरी उतर
तो नगरी से थोड़ा ही है, पैदल ही है, तब आधा किलोमीटर। अच्छा, नगरी से आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर हो सकता है, तो वहाँ से आप किसी तरह अरेंज करके आ सकते हो। सो जैसे कि हमें पता चला है कि ऑटो वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएंगे और आप ऑटो के ज़रिए यहाँ पर आ सकते हो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, तो आप सनातन धर्म से जुड़े रहिए और देखते रहिए राज तक 99 यूट्यूब चैनल। थैंक यू जी। ये मंदिर की पार्क है दोस्तों।